नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आज की 20 बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मणिपुर पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, कांग्रेस बोली पीएम सदन में बोल नहीं रहे, हम उनका घमंड तोड़ना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, संसद के मानसून सत्र का कल पांचवा दिन था। कांग्रेस ने मणिपुर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस के व्हिप मणिकम टैगोर ने बताया कि हम पीएम मोदी के अहंकार को तोड़ना चाहते थे, वे संसद में आकर मणिपुर पर बयान नहीं दे रहे हैं, हमें लगता है किस आखिरी हथियार का इस्तेमाल करना हमारा कर्तव्य है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगाई ने लोकसभा महासचिव के ऑफिस में जाकर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, साथ ही कांग्रेस ने अपने सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमित शाह की चिट्ठी पर खड़गे का जवाब, पीएम ने हमें आतंकवादियों से जोड़ा, उसी दिन गृह मंत्री ने सहयोग मांगा, आपकी कथनी और करनी में यही फर्क है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह के 25 जुलाई के पत्र का जवाब दिया। उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। खड़गे ने लिखा कि अमित शाह जी, जिस दिन पीएम ने विपक्षी दलों को अंग्रेज शासकों और आतंकवादी दल के दल से जोड़ा, उसी दिन गृह मंत्री आपने भावनात्मक पत्र लिखकर विपक्ष से सकारात्मक रवैया अपनाने को कहा है। दरअसल अमित शाह ने मंगलवार को खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखकर कहा था कि सरकार मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए विपक्ष को अनुकूल माहौल बनाना होगा। वहीं दोस्तों, पीएम मोदी ने इससे पहले इंडिया शब्द को लेकर उन्होंने कहा था कि ईस्ट इंडिया और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में पेश करेंगे दिल्ली अध्यादेश बिल, कैबिनेट ने कल ही दी थी मंजूरी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण से जुड़े बिल को गृह मंत्री अमित शाह आगामी सोमवार को लोकसभा में पेश करेंगे। दिल्ली सेवा अध्यादेश की जगह लेने वाले इस बिल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को ही मंजूरी दे दी थी। केंद्र की ओर से 19 मई को जारी इस अध्यादेश में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलटने का प्रावधान है जिसने अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग सहित सेवा मामलों में दिल्ली सरकार को कार्यकारी शक्तियां दी थी। इस अध्यादेश में दिल्ली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली जैसे केंडर के ग्रुप ए अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही और तबादलों के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दलडा को 4 साल की कैद की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया। जी हां दोस्तों, दिल्ली के रावज रेवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित सीबीआई मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दलडा को 4 साल कैद की सजा सुनाई। इसी मामले में उनके बेटे देवेंद्र दलडा और मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को भी 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इसी मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, 2 वरिष्ठ लोक सेवकों के एफ कोफरा और केसी सामरिया को भी 3 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गो फर्स्ट एयरलाइन की टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल, जल्द ही उड़ान दोबारा शुरू हो सकती है, 3 मई से बंद है फ्लाइट्स। जी हां दोस्तों, 3 मई से बंद पड़ी गो फर्स्ट एयरलाइन की टेस्ट फ्लाइट्स सक्सेसफुल रही है, यानी कि अब जल्द ही उसकी उड़ानें दोबारा शुरू हो सकती है। कंपनी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। अभी गो फर्स्ट की सभी उड़ानें 28 जुलाई तक कैंसिल है। गो फर्स्ट ने कहा कि हमें आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा टेस्ट सफल रहा, हम जल्द ही रनवे पर वापस आएंगे। इससे पहले शुक्रवार को डायरेक्टोरियल जर्नल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने गो फर्स्ट को फ्लाइट दोबारा शुरू करने के लिए शर्तों के साथ मंजूरी दी थी। एयरलाइन दिल्ली हाईकोर्ट और NCLT में चल रहे केस के नतीजे के आधार पर अपने ऑपरेशन शुरू कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार, 31 जुलाई तक पद से हटाने का है ऑर्डर। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में संशोधन का अनुरोध किया है जिसमें कहा गया था कि ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा 31 जुलाई तक ही पद पर रह सकते हैं। कोर्ट से केंद्र सरकार ने ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने को कहा है। वहीं जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पर कहा है कि वो मामले में गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे अगली करेंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दलील दी कि ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर एक ऐसे व्यक्ति का होना जरूरी है जो देश भर में मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी की प्रक्रियाओं, संचालन और गतिविधियों की जटिलताओं से अच्छी तरह परिचित हो।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मेघालय सीएम ऑफिस पर हमले के 22 आरोपी हुए गिरफ्तार। इनमें बीजेपी की दो महिला नेता शामिल, दो टीएमसी नेताओं पर उकसाने का आरोप भी लगा। जी हां दोस्तों, मेघालय में मुख्यमंत्री कार्यालय पर हमला करने वाले 22 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें भाजपा महिला मोर्चा की दो पदाधिकारी भी शामिल है। इनकी पहचान बेलिना एस मराक और दिलेच च मराक के रूप में हुई है। तुरा में बने सीएम ऑफिस पर भीड़ ने सोमवार शाम को हमला कर दिया था, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। हमले के लिए उकसाने का आरोप दो टीएमसी नेताओं पर लगाए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि यह मामला प्री प्लांड था। हमले के 26 आरोपियों की पहचान की गई है। जिस समय हमला हुआ उस समय सीएम कॉनराड संगमा अचीक कॉन्शियस होलिस्टिकली इंटीग्रेटेड क्रीमा ACHI के और गेरो हिल्स स्टेट मूवमेंट कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ बात कर रहे थे। ये संगठन पिछले 14 दिन से तुरा को विंटर कैपिटल बनाने की मांग करने के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। सीएम ने इनके प्रतिनिधियों को सोमवार को बातचीत के लिए बुलाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मेरा माइक बंद किया गया। हंगामे के बीच राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, अपमान हुआ है। जी हां दोस्तों, बुधवार को भी राज्यसभा की कार्यवाही में जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि उनका अपमान किया गया है। राज्यसभा में बोलते हुए खड़गे ने कहा कि कल संसद में मेरा माइक बंद कर दिया गया था। खड़गे जब बोल रहे थे तो कांग्रेस के सांसद उनके पीछे खड़े हो गए। सभापति ने कांग्रेस सदस्यों के खड़े होने पर आपत्ति दर्ज कराई, जिस पर खड़गे ने कहा कि मेरे पीछे नहीं खड़े होंगे तो क्या मोदी के पीछे खड़े होंगे। खड़गे के इतना कहते ही सदन में बीजेपी के सांसद मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। राज्यसभा के चेयरमैन ने नेता विपक्ष और नेता सदन से अपने अपने सदस्यों को शांत करवाने को कहा। हंगामा शांत होता न देख राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी मस्जिद कमेटी की याचिका पर फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अनजाने में अंतरिम की जगह मुख्य याचिका का निपटारा कर दिया था। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ज्ञानव्यापी अंजुमन इंतजामिया की उस याचिका को फिर सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है, जिसका 24 जुलाई को अनजाने में निपटारा कर दिया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस JP पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने बुधवार को यह फैसला दिया। ज्ञानव्यापी मस्जिद का मैनेजमेंट देखने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी ने बुधवार को दलील दी कि 24 जुलाई की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ASI सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर अंतरिम याचिका की जगह मुख्य याचिका का ही निपटारा कर दिया था। इंतजामिया कमेटी की इस दलील पर उत्तर प्रदेश सरकार और ASI की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें मस्जिद कमेटी की विशेष अनुमति याचिका को रिवाइव करने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 में लगे 20 कट, ए सर्टिफिकेट के बाद रिलीज होगी फिल्म। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों खबर आई थी कि अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की फिल्म ओ माय गॉड 2 को CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने रिवाइजिंग कमेटी के पास दोबारा से रिव्यू के लिए भेजा गया है। मेकर्स ने फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य दिखाए हैं जिनसे लोगों को आपत्ति हो सकती है। फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है, और इधर मेकर्स की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। CBFC की ओर से इसे हरी झंडी नहीं मिली है और मेकर्स स्टार्स के साथ फिल्म के प्रमोशन के लिए रुके हुए हैं। अब खबर आ रही है कि CBFC को रिवाइवल कमेटी की ओर से जवाब आ चुका है। कमेटी ने फिल्म के कुल कुछ 15 से 20 कट्स करने के लिए कहा है, साथ ही यह भी सलाह दी है कि वह फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट दें। जबकि मेकर्स का कहना है कि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर कट लगाने की जरूरत पड़े, वह इस सलाह का खंडन कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि CBFC की ओर से फिल्म में कुछ चीजों को लेकर आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद फिल्म दोबारा रिव्यू के लिए रिवाइजिंग कमेटी को भेज दी गई थी। हालांकि फिल्म में किस सीन पर लोगों को आपत्ति हो सकती है इसके बारे में अब तक कुछ भी सामने नहीं आया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने IECC कॉम्प्लेक्स में हवन किया। सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का रीडेवलपमेंट 2,700 करोड़ में हुआ, 7,000 लोग बैठ सकेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में रीडेवलपमेंट किए गए इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन आज शाम 7:30 बजे कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने यहां हवन और पूजा की। कन्वेंशन सेंटर का रीडेवलपमेंट 2,700 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। दोस्तों इस कन्वेंशन सेंटर में 9 से 10 सितंबर तक 18वीं G20 बैठक होगी। सरकारी एजेंसी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ITPO का यह कॉम्प्लेक्स 123 एकड़ में फैला है। IECC दुनिया के लीडिंग एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर्स में से एक है। यह कॉम्प्लेक्स देश का सबसे बड़ा MICE यानी कि मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में बारिश, नोएडा गाजियाबाद में स्कूल बंद, सड़कों पर भरा पानी, ओडिशा महाराष्ट्र में भी हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश में मानसून कहर बरपा रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में जहां बादल फटने की घटनाओं ने हिमाचल और उत्तराखंड में भारी तबाही मचाई है, वहीं तटीय इलाकों की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र भी भारी बारिश की चपेट में है। तेलंगाना में सभी स्कूल और कॉलेजों को आज और कल के लिए बंद कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में पनप रहे चक्रवाती तूफान को देखते हुए तटीय क्षेत्रों में यह स्थिति पैदा हुई है। वहीं दोस्तों राजधानी दिल्ली में आज झमाझम बारिश हो रही है। यहां अगले 3 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में लगातार बारिश की स्थिति बनी रहेगी। पड़ोसी राज्य हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान पर ही बह रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही निरंतर बारिश के कारण आने वाले दिनों में एक बार फिर राजधानी की समस्याएं बढ़ सकती है। वहीं दोस्तों भारी बारिश की वजह से यूपी प्रशासन ने नोएडा और गाजियाबाद में आज स्कूलों को बंद रखा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया पाकिस्तान मैच एक दिन पहले हो सकता है। अहमदाबाद में 15 अक्टूबर को होना है मुकाबला। एजेंसियां बोली इसी दिन नवरात्रि भी है। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे वर्ल्ड कप मैच को एक दिन पहले आयोजित किया जा सकता है। 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच मैच होना है। इसी दिन नवरात्रि का त्यौहार भी शुरू हो रहा है, जिसे देखते हुए सिक्योरिटी एजेंसी ने मैच की तारीख या वेन्यू बदलने का सुझाव दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह मैच अब 14 अक्टूबर को हो सकता है। दूसरी ओर बीसीसीआई सचिव जय शाह ने गुरुवार को वर्ल्ड कप वेन्यू के स्टेट एसोसिएशन की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। माना जा रहा है कि मीटिंग में मैच की नई तारीख या वेन्यू बदलने पर फैसला लिया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एंड्रॉइड डिवाइस के लिए चैट जीपीटी ऐप भारत में हुआ लॉन्च। जीमेल से लॉगिन करके अकाउंट बना सकते हैं यूजर्स, आईओएस के लिए पहले से अवेलेबल है। जी हां दोस्तों, ओपन एआई ने चैट जीपीटी का ऐप एंड्रॉइड डिवाइस के लिए लॉन्च कर दिया है। एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लॉन्चिंग से पहले 22 जुलाई को ऐप प्री रजिस्टर के लिए अवेलेबल हो गया था। प्री रजिस्टर और ऑटोमेटिक इंस्टॉल ऑप्शन अनेबल रखने वाले यूजर्स के लिए उन यूजर्स के डिवाइस पर ऐप लॉन्च होने के बाद अपने आप डाउनलोड हो गया है। ओपन एआई ने अभी कुछ देशों में ही चैट जीपीटी के ऐप को एंड्रॉइड डिवाइस के लिए लॉन्च किया है, जिनमें भारत भी शामिल है। ओपन एआई ने ऑफिशियली अकाउंट से ट्वीट कर लिखा है कि एंड्रॉइड के लिए चैट जीपीटी अब अमेरिका, भारत, बांग्लादेश और ब्राजील में डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। हम अगले हफ्ते और देशों में भी इसे लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा एक लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर, रिजल्ट के बाद पीएनबी का शेयर 4% चढ़ा, सेंसेक्स में 351 अंकों की तेजी, निफ्टी 19,778 के स्तर पर हुआ बंद। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में बुधवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 351 अंक चढ़कर 66,707 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 98 अंकों की तेजी रही है, 19,778 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों जून तिमाही के रिजल्ट के बाद पीएनबी का शेयर 4.17% चढ़ा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी और 11 में गिरावट रही। एनएससी पर ज्यादातर सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा 1.50% की तेजी पीएसयू बैंक इंडेक्स में रही। रियल्टी और एमएफसीजी भी 1% से ज्यादा चढ़े। ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मामूली गिरावट रही। ऑटो 0.01% और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.31% गिरकर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 की बात की जाए तो आज निफ्टी 50 में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला। निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में आज बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और महिंद्रा एंड महिंद्रा रहे, जबकि टॉप गेनर्स में लार्सन एंड टुब्रो, सिप्ला और आईटीसी रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नागालैंड निकाय चुनाव महिला आरक्षण लागू नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट हुई नाराज, केंद्र से कहा आपके राज्य में ही नियम टूटे, कुछ नहीं किया। जी हां दोस्तों, नागालैंड निकाय चुनाव में 33% महिला आरक्षण लागू ना किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से सवाल पूछा। कोर्ट ने कहा कि आपके ही राज्य में नियम तोड़े जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में तो आप सख्त कदम उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार नागालैंड में संविधान लागू करने की इच्छा ही नहीं दिखा रही है, कई बार मौके दिए पर कुछ नहीं किया गया। नागालैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी और भाजपा की गठबंधन सरकार है। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट कोलिन गोंजालवेज ने कहा कि महिलाओं की इच्छा है कि वे निकाय चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, वो चाहती हैं कि मुखिया उन्हें प्रोत्साहन दे, लेकिन महिलाओं की इस इच्छा को वो लोग दबा रहे हैं जो सत्ता में हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में 4 दिन रहेगा ड्राई डे, केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला। जी हाँ दोस्तों, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 4 दिन का ड्राई डे घोषित किया है। अगले 3 महीनों में आने वाले त्योहार जन्माष्टमी, मोहर्रम, स्वतंत्रता दिवस और ईद पर ड्राई डे रहेगा, यानी कि इस दिन शराब की दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेगी। दिल्ली सरकार ने आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तहत ये फैसला लिया है। फिलहाल जुलाई से सितंबर तक के लिए यह घोषणा कर दी गई है। ड्राई डे जिन तारीखों को घोषित किया गया उनमें मोहर्रम 29 जुलाई, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, जन्माष्टमी 7 सितंबर और ईद 28 सितंबर शामिल है। आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य धार्मिक और राष्ट्रीय उत्सवों के दौरान सम्मानजनक और गंभीर माहौल को सुनिश्चित बनाए रखना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई के करीबी विक्रम बड़ाड़ को NIA ने किया गिरफ्तार। मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड सचिन पर भी कसा शिकंजा। जी हां दोस्तों, जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। लॉरेंस के बैद खास गुर्गे विक्रम बराड़ को भारत लाए जाने के साथ NIA ने गिरफ्तार भी कर लिया है। विक्रम बराड़ पिछले दिनों फिल्म अभिनेता सलमान खान को धमकी देने और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले के बाद से काफी चर्चा में आया था। वहीं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड और लॉरेंस बिश्नोई के रिश्तेदार सचिन बिश्नोई को जल्द ही अजरबैजान से भारत लाया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। सचिन बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट के सारे अजरबैजान भाग गया था, जहां पिछले साल बाका से उसे हिरासत में लिया गया था। उसने दोस्तों फोन पर हुई बातचीत में मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। ऐसे में अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जल्द ही अजरबैजान से उसका प्रत्यार्पण करवाकर जल्द दिल्ली लेकर आएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जल्द मिलने लगेगा सस्ते में हवाई सफर का मजा। आकाशा के बाद अब आसमान में उतरी एक और कंपनी। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से कई शहरों की उड़ानें काफी महंगी हो गई। विमानन क्षेत्र के संकट के चलते उड़ानें कम होने से हवाई यात्रियों को खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि अब एक बार फिर से सस्ती उड़ानों का दौर देखने को मिल सकता है। उड़ान योजना के तहत रूट के नए आवंटन से इसका रास्ता खुल सकता है। दरअसल दोस्तों, उड़ान योजना के नए चरण यानी कि उड़ान 5.0 के तहत नई विमानन कंपनी फ्लाई 91 को पहले रूट सेट का आवंटन हुआ है। इसके तहत फ्लाई 91 को सिंधुदुर्ग, जलगांव, नादेड़ और अगती जैसे छोटे शहरों को बेंगलुरु, गोवा, हैदराबाद और पुणे जैसे वेस्ट डेस्टिनेशन से कनेक्ट करने का लाइसेंस मिला है। क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत नए रूट के आवंटन से आने वाले दिनों में उड़ानों की संख्या बढ़ सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़, बिहार पहुंची गुजरात पुलिस, शातिर हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के आधार कार्ड से छेड़छाड़ करने के मामले में गुजरात पुलिस मंगलवार मुजफ्फरपुर पहुंची और देर रात कांटी थाना क्षेत्र से आरोपी युवक को गिरफ्तार कर साथ ले गई। युवक की पहचान कांटी थाना क्षेत्र के शहादतपुर गांव के रहने वाले अपर्ण दुबे उर्फ मदन कुमार के रूप में हुई है। अपर्ण स्नातक का छात्र है और मूल रूप से पारू थाना क्षेत्र का रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार अपर्ण यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आधार कार्ड से छेड़छाड़ किया था और अलग अलग जगहों पर गलत तरीके से इस्तेमाल किया। उसके पास से मिले मोबाइल में आधार कार्ड में छेड़छाड़ करने के साक्ष्य भी मिले हैं। दोनों की जन्मतिथि समेत अन्य डाटा में छेड़छाड़ का प्रयास किया गया। इसके बाद गुजरात के अहमदाबाद साइबर थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के क्रम में मोबाइल के IP एड्रेस के जरिए डिटेल निकालकर आरोपी की गिरफ्तारी की कवायद शुरू की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अंजू ने पाकिस्तान में नसरुल्ला से किया निगाह, दुखी पिता बोले बच्चों का नहीं सोचा, वो अब मेरे लिए मर गई। जी हां दोस्तों, ग्वालियर की अंजू के पाकिस्तान में नसरुल्लाह के साथ निगाह करने की खबरों से उसका परिवार गमगीन है। अंजू के पिता गया प्रसाद ने तो यह तक कह दिया कि पाकिस्तान में निगाह करने के बाद अंजू मेरे लिए मर गई। अंजू के पाकिस्तान में नसरुल्लाह के साथ निगाह करने की खबर लगने के बाद अंजू के पिता सदमे में है। पिता गया प्रसाद इतने नाराज हैं कि उन्होंने यह तक कह दिया कि अंजू अब उनके लिए मर चुकी है, वह उनका नाम तक सुनना नहीं चाहते हैं। वहीं दोस्तों पिता का कहना है कि अंजू का इस्लाम धर्म अपनाना मेरे लिए उसके अंतिम संस्कार जैसा है। गया प्रसाद के मुताबिक जब अंजू ने अपना नाम बदल लिया, अपना पति बदल लिया, अपना मजहब बदल लिया, अपना देश बदल लिया, तो फिर हमारा उससे कोई नाता ही नहीं रहा। अब तो हम यह सोचते हैं कि वह मर चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के साउद शकील ने रचा इतिहास, 146 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कोई नहीं कर पाया था ऐसा। जी हां दोस्तों, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में अर्धशतक जड़ साउद शकील ने इतिहास रच दिया। दरअसल दोस्तों, साउद शकील अब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहले 7 टेस्ट मैचों में अर्धशतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। अब तक कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं कर सका था। 27 साल के साउद शकील ने अपने टेस्ट करियर के शुरुआती सभी 7 टेस्ट मैचों में 50 या
से अधिक का स्कोर बनाया है। इसके साथ ही उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। दोस्तों सऊद टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले कोई भी बल्लेबाज यह कारनामा नहीं कर पाया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सऊद ने पहले टेस्ट मैच में 76, दूसरे टेस्ट में 63 और 94, तीसरे में 53, चौथे में 55, पांचवें में 125, छठवें में 208 रन और सातवें टेस्ट मैच में फिर से दोहरा शतक यानी कि 201 रन बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वहीं दोस्तों दूसरे टेस्ट की पहली पारी में श्रीलंका की टीम सिर्फ 166 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इसके बाद खबर लिखे जाने तक पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 563 रन बना लिए थे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व क्रिकेट जगत में लिटिल मास्टर के नाम से कौन जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि लिटिल मास्टर के नाम से कौन सा क्रिकेटर फेमस है, किस क्रिकेटर का नाम लिटिल मास्टर है, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। जय भारत।